है जनादेश भारत न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खबरें। बिजनौर थाना नजीबाबाद पुलिस ने गोवध के आरोपी अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से अवैध शस्त्र, पशु कटान के उपकरण व किल भी बरामद की गई। आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज पाल की यह लेटेस्ट खबर हिंदी में। देखिए आगे क्या हुआ। दरअसल 23 अक्टूबर को पीयूष पुत्र संजय निवासी ग्राम सिकंदरपुर बसी नजीबाबाद ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि ग्राम सिकंदरपुर बसी में खमानी की झोई में पानी में पशु के अवशेष दिखाई दिए, जिन्हें बाहर निकाल कर देखा तो उक्त अवशेष गोवंशीय पशु के थे। इस संबंध में थाना नजीबाबाद पर धारा 35/8 गोवध निवारण अधिनियम बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। इस संबंध में 28 अक्टूबर की रात्रि में मुखबिर द्वारा थाना नजीबाबाद पुलिस को सूचना दी गई कि जिन लोगों ने 4-5 दिन पहले ग्राम सिकंदरपुर बसी के जंगल में गौक्षी की घटना की थी, वही लोग दोबारा कोई घटना करने की फिराक में ग्राम बुनियापुर की तरफ से जंगल के रास्ते ग्राम सिकंदरपुर बसी की तरफ मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, जिनके पास पशु कटान के औजार भी है। सूचना पर पुलिस द्वारा चेकिंग शुरू की गई तो ग्राम बुनियापुर की तरफ से मोटरसाइकिल आती दिखाई दी, जिन्हें रुकने का इशारा किया तो मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी तथा इसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर खेतों के रास्ते भाग गया। पूछताछ में बदमाश ने अपना नाम नौशाद पुत्र कालू उर्फ कल्लू कुरैशी निवासी ग्राम अकबराबाद थाना कोतवाली देहात बिजनौर बताया तथा भागे हुए व्यक्ति का नाम राशिद पुत्र रशीद निवासी ग्राम अकबराबाद थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर बताया। अभियुक्त नौशाद के कब्जे से एक अवैध तमंचा, 315 बोर व 02 जिंदा कारतूस, 315 बोर, एक प्लास्टिक के बोरे में पशु काटने के उपकरण, छुरी, चापट, दांव, रेती, लकड़ी का गुटखा, छोटी बड़ी रस्सियां आदि, मोटरसाइकिल व घटनास्थल से 01 खोखा कारतूस, 315 बोर बरामद हुआ। पुलिस द्वारा घायल अभियुक्त को उपचार हेतु CHC समीपुर में भर्ती कराया गया। इस संबंध में थाना नजीबाबाद पर संबंधित धाराओं में नौशाद व राशिद उपरोक्त पंजीकृत किया गया। दिनांक 23 अक्टूबर को थाना नजीबाबाद क्षेत्र के सिकंदरपुर बसी गांव में एक गौकशी की घटना हुई थी। इस संबंध में रात्रि में पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि वही लोगों का जो गैंग है उनमें से 2 व्यक्ति हैं, एक बाइक पे आ रहे हैं। द्वारा पुलिस पर द्वारा चेकिंग लगाई गई, रोकने का प्रयास किया गया तो मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर किया। पुलिस ने उनको सरेंडर के लिए कहा, पुनः उनके द्वारा फायर किए गए। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, इसमें एक बदमाश के गोली लगी, उसको उपचार हेतु अस्पताल लाया गया है। इसका एक अन्य साथी मौके से भागने में सफल रहा है। अभियुक्त के पास से भारी मात्रा में गौकशी करने के उपकरण बरामद हुए हैं, एक तमंचा बरामद हुई, मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पूछताछ पर इसने बताया कि 4 अभियुक्तों का गैंग है, जिसमें एक नौशाद है जो उपचाराधीन है, एक राशिद जो मौके से भाग गया, 2 अन्य अभियुक्त हैं, इनकी शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। अभियुक्त नौशाद के विरुद्ध 8 अभियुक्त पंजीकृत हैं और इसने पूछताछ पर बताया कि जो सिकंदरपुर बसी में गांव में जो घटना हुई थी वो इनके द्वारा ही कारित की गई थी। जो भागे हुए इसके गैंग के सदस्य हैं उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी।